सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक गेम के बारे में जो बिल्कुल एक माइनक्राफ्ट गेम की तरह है। आप लोगों ने माइनक्राफ्ट गेम तो देखी ही होगी, ये बिल्कुल वैसी है। आप लोग को मैं बताऊँगा इस गेम के बारे में और आप लोग देख सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर लिख देना है क्राफ्ट मैन। आपको दिखाता हूँ मैं कैसा दिखता है, कुछ ऐसा लोगो करके आएगा, देख सकते हैं आप लोग। और तो चलिए अब गेम को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को सिंपली प्ले पर क्लिक कर देना है और उसके बाद क्रिएट न्यू वर्ल्ड पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। क्रिएट न्यू वर्ल्ड पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस करके आएगा। और अगर आप लोगों को अपना वर्ल्ड क्रिएट करना है तो उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा सर्वाइवल क्रिएटिव में आप लोग क्लिक कर सकते हैं और वहाँ ऊपर से आप लोग अपने वर्ल्ड की सीड वगैरह लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, इस वाले से फ्लैट हो जाता है आपका वर्ल्ड, इससे इन्फानाइट, जिससे कि आप लोग नॉर्मल वर्ल्ड खेलते हैं, और इससे आप लोगों का वर्ल्ड ओल्ड हो जाता है। पर इसमें खेलने का आप लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें चंक बहुत कम होते हैं। और यहाँ पर क्रिएट वर्ल्ड से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं इन सभी से, और यहाँ से सर्वाइवल वर्ल्ड कर सकते हैं। और सिंपली आप लोगों को क्रिएट वर्ल्ड पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं मैंने क्रिएट कर दिया है और कुछ ऐसा है, देख सकते हैं वर्ल्ड टेक्सचर भी बहुत अच्छे है। मैंने ब्राइटनेस कम की तो आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो मैंने ब्राइटनेस वापस से ज़्यादा कर दिया। देख सकते हैं अब आप लोग अच्छे से, पूरे माइनक्राफ्ट जैसे टेक्सचर है इसके ग्राफिक्स। और आप लोगों को अपनी सेटिंग चेंज करनी है तो आप लोग को यहाँ से जहाँ से बैक करते हैं वहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आप लोगों को सिंपली ये ऑन कर देना है। कहाँ गया हूँ आपको दिखाता हूँ, रुकिए। हाँ, यहाँ से आप अपनी डिफिकल्टी चेंज कर सकते हैं और ऊपर से आप साउंड कम ज्यादा कर सकते हैं। और आप लोगों को ये ऑन कर देना है। और अगर आप लोग लेफ्ट साइड वाले वो आ जाएंगे, आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमने सेटिंग कर ली है गेम की पूरी। और यहाँ से आप लोग अपना बटन साइज वो कर सकते हैं, बड़ा छोटा, जिससे कि आपको खेलने में इजी होगी। मैंने फुल पर रखा है फिलहाल तो। और आप लोग इससे अपनी देखने की उसको बढ़ा सकते हैं, जूम और जूम आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग ऐसे। मैं तो फिलहाल इतना रखता हूँ और आप लोग को भी इतने पे ही रखना चाहिए। और ब्राइटनेस को भी फुल पर कर देना है, सबसे टॉप पर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन है, आप उनसे देख के और सेटिंग कर सकते हैं। हमारी सेटिंग तो हो गई, देख सकते हैं आप लोग बीच पर जो आ रहा है ना, ये भी आ चुका है प्लस जैसा। और ग्राफिक्स भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे है, पूरे माइनक्राफ्ट जैसे। और इससे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और इससे पीछे आ सकते हैं और इससे राइट साइड को जा सकते हैं, इससे लेफ्ट साइड को। और अगर आप लोगों को ज़्यादा तेज आगे जाना है तो आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है, जिससे कि आप ज़्यादा तेज आगे बढ़ पाएंगे, देख सकते हैं ऐसे। और जो राइट साइड पर छोटा सा डब्बा जैसा दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जंप हो जाता है, देख सकते हैं ऐसे। और ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और आप लोग यहाँ से बैक कर सकते हैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन से, और यहाँ से स्किन चेंज कर सकते हैं अपनी, देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छी अच्छी स्किन है। मैं फिलहाल इस काले वाली स्किन को रख देता हूँ।
और अगर आप लोगों को अपना नया वर्ल्ड बनाना है तो आप दोबारा से यहीं पर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर अपने वाले वर्ल्ड पे जाना है तो उसी पर क्लिक कर देना है और देख सकते हैं आप लोग। मैंने स्किन बदल दिया, आप मेरे हाथ से भी देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग पेड़ तोड़ सकते हैं ऐसे क्लिक कर करके। और आप लोग मेरी स्किन भी देख सकते हैं, चेंज हो चुकी है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।